इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू और अहम खबरों पर एक नज़र। आज का मौजू इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान एहतजाज को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। सभी को इस बात पर हैरानी भी होगी और सवालात भी उभरते होंगे कि आखिर इस एहतजाज ने क्या हासिल किया और क्यों किसान अड़े हुए हैं, जबकि हुकूमत इनकी मांगों को किसी तरह से मानने को तैयार नहीं। पर असल बात यही है कि यह एहतजाज इस लोकतंत्र जमहूरियत की बका का सबूत है। खैर, मोदी हुकूमत हर आवाज को दबाना चाहती है, हर सवाल का जवाब देशद्रोही के तौर पर दिया जा रहा है, पर एक एहतजाज इस मोदी हुकूमत में 100 दिन तक चलना, यह एक बड़ी कामयाबी है। जबकि अक्सर यह कहते देखा जा रहा है कि यह तो नाकाम हुआ है, गोदी मीडिया के जरिए यह भी दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या अब तो किसान भी घट रहे हैं, पर यह गलत है। ऐसा किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत का कहना है। इस किसान एहतजाज को लेकर ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में मोदी हुकूमत की मनमानी पर नाराजगी का इजहार किया। मुल्क हिंद की तस्वीर को मौजूदा हुकूमत ने दागदार करने की भी बात कही गई है। कई रुकावट रोड़े इस एहतजाज में डालने की मुस्तकिल कोशिश की गई, पर गैरतमंद किसानों ने अपने लीडर के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखते हुए पहले से भी ज्यादा मजबूत आंदोलन को खड़ा किया। यहां तक कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मोदी हुकूमत की नैया डूब सकती है तो इसी किसान एहतजाज से। भले इसका असर जुनूबी हिंद में कम दिखाया गया हो, कम नजर आया हो, लेकिन यह एहतजाज पूरी कुव्वत के साथ जारी है। जल्द बंगाल के साथ 5 रियासतों में जो चुनाव होने वाले हैं, किसानों ने इस बात का भी ऐलान किया है कि गलत और मनमानी कानूनों के खिलाफ बंगाल और केरल चुनाव में किसान हिस्सा लेंगे। इसका मतलब यह बड़ी चुनौती भाजपा या मोदी हुकूमत को होगी। भाजपा की गिरते साख के मद्देनजर एक मुल्क एक चुनाव का ऐलान किया जा रहा है, जिसे कर्नाटक में भी मुखालिफत की जा रही है। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने तो इसे आरएसएस के एजेंडे पर भारत को ले जाने की साजिश कहा। आखिर इस किसान एहतजाज से क्या मिला, जबकि 100 दिन पूरे हुए। ऐसा सवाल करने वालों को सोचना होगा कि इस एहतजाज ने एक नया जज्बा, एक नई कुव्वत और ताकत मुल्क की आवाम को बख्शी है। मुख्तलिफ सभी लोग प्लानिंग के तहत इसे नाकाम और बदनाम करने की कोशिश की गई। 200 से भी ज्यादा किसानों की मौत इस एहतजाज के दरमियान हुई। इस कुड़ती हुई ठंड से बुजुर्ग किसान अपने हक के लिए, आने वाली नस्ल के तहफ्फुज के लिए बैठे और कुछ ने तो अपनी जान भी दे दी। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि 100 दिन के इस किसान एहतजाज ने मुल्क की आवाम को सोचने पर मजबूर नहीं किया हो? जबकि कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही और 26 जनवरी को तो अपने ही लोगों के जरिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लाल किले पर निशान साहिब का परचम लहराकर मुल्क की सतह पर बदनाम करने की साजिश की। आखिर नाकाम भी हुई। आपको मालूम है कि इन 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। सरकार और किसानों की 10 राउंड से भी ज्यादा की बातचीत हुई। कभी दबाव बढ़ा, कभी तनाव बढ़ा। बीच में 26 जनवरी का लाल किले का मामला भी हुआ, जिसकी मजम्मत किसान तंजीमों की जानिब से की गई। इस दौरान मीडिया और सरकार ने किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या अलकाब से नवाजा। किसानों को एहतजाज से जबरदस्ती हटाने की कोशिश भी हुई और इनके रास्ते में कीले, कांटे, न जाने क्या क्या गाड़ दिए गए। लेकिन किसान एहतजाज ने इन सभी मुश्किलात रुकावटों का अमन सुकून से पार किया। कोरोना का वास्ता देकर रोकने की बात कही और किसान ने एहतजाज को हक करने की बात की, पर किसानों ने कोरोना वैक्सीन को ही सरे से नकारते हुए वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है कहा। अब किसानों का एहतजाज दिल्ली की सरहदों के साथ गांव गांव फैल गया है और यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिगर रियासतों में बड़ी बड़ी किसान पंचायतें हो रही है। और अब किसानों ने एहतजाज को मजबूत शक्ल देते हुए सियासी तौर पर भी इख्तदार पसीर बीजेपी को आने वाले चुनाव में हराने की अपील करते हुए सियासी मैदान में सरगर्म होकर इजलासों का एहतमाम कर रही है। किसान एहतजाज के 100 दिन इख्तदार पसीर हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है। किसी जमहूरी मुल्क में एहतजाज जमहूरियत अवामी इनकलाब की पहचान होती है। इसे यूं ही ना समझा जाए, जिस तरह इस एहतजाज ने नए इनकलाब की रूपों की है, जल्द इसके असरात भी नजर आने वाले हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर अडानी अंबानी और महंगाई, बेरोजगारी से अपना जहर को हटाकर मंदिर मस्जिद को अहम मसला बताकर किसी और के हाथों देश को बेचने का जो मंसूबा मोदी हुकूमत ने किया है, किसानों ने समझ लिया है ऐसा इनका दावा है, जिसे मुकम्मल नहीं होने देंगे।
ऐसा दावा भी किसानों की जानिब से किया जा रहा है। भले धर्म के आड़ में झूठ नफरत दुश्मनी के एजेंडे को बढ़ाकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश जिस तरह से मोदी हुकूमत कर रही है, इसे खत्म करने का वादा किसानों की जानिब से किया जा रहा है और ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है और ये भी ये एहतजाज चलता रहेगा का वादा भी किया जा रहा है। लिहाजा बढ़ती गर्मी से बचने के लिए फैन, कूलर, ठंडा पानी, बोरवेल भी बिठाने का काम गाजीपुर टिकरी बॉर्डर दिल्ली सरहद पर जारी है। बढ़ती गर्मी के तहत लंगर का मेनू भी बदल दिया गया है। अब राजमा पनीर जैसे खानों का इंतजाम किया जा रहा है। किसान गांव गांव जाकर मरकजी हुकूमत ने जो काले कानून मंजूर किए हैं, इससे हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का खतरा बना हुआ है, इसको समझाने की कोशिश जारी है। लिहाजा मीडिया भले ही इसे कवरेज न दे और एहतजाज धीमा होने की बात करती रहे, लेकिन आज भी किसानों की तादाद में इजाफा ही होने लगा है, ऐसा दावा किसानों की जानिब से किया जा रहा है। और भी 3 साल तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान, गोया मोदी हुकूमत के तख्त को पलट कर ही खामोश रहेगा क्या, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। लिहाजा 100 दिन मुकम्मल होने को यूं ही ना समझा जाए, ये एहतजाज की चिंगारियां आज भी दहक रही है। अहम खबरों पर एक नजर। सीढ़ी मामले को लेकर रमेश जारकीड़ी को इस्तीफा देना पड़ा, इस जगह पर भी कईयों की नजरें टिकी हुई। आखिर इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। इस्तीफे के बाद खाली जगह को कौन पुर करेगा, लिहाजा 3 नामों की चर्चा हो रही है, पर वजीर आला की माला किसके गले में पहनाई जाती है, इस पर सभी की तवज्जो है। उमेश कत्ती का नाम सरे फहरिस्त है, तो वही शशिकला जोड़े, लक्ष्मण सऊदी और भालचंद्र जारकीहोली का नाम भी इसमें शामिल है। इसमें एक अहम बात यह भी है कि रमेश जारकीहोली ने इस्तीफा के दौरान यह भी बात कही है कि अगर बेगुनाह साबित हुआ तो यह वजारत फिर से दी जाए, लिहाजा अगर कोई इस कुर्सी पर बैठ भी जाता है तो दोबारा खाली भी कराया जा सकता है। मतलब कहीं तो मुस्तकिल बैठने का लुत्फ हासिल नहीं हो सकता का अंदेशा भी है, पर यह चर्चा जोरों पर है कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। जब से कॉरपोरेशन के सामने कन्नड़ परचम कुछ कन्नड़ तंजीमों की जानिब से लगाया गया है, इसके खिलाफ मराठी तंजीमों ने बार बार आवाज उठाने का काम जारी रखा हुआ। लिहाजा एक बार फिर 8 मार्च को एमईएस और दीगर मराठी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसे लेकर मुख्तलिफ मोहल्लों में, शहर, गांव, करियों में बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। मराठी तंजीमों का कहना यह है कि यह परचम गैर कानूनी तौर पर बिठाया गया है। वही कन्नड़ तंजीमों का कहना है कि कर्नाटक का परचम कहीं पर भी बिठा सकते हैं, लिहाजा इसे निकालने का सवाल ही नहीं उठता। वाजा रहे कि 28 दिसंबर को यह परचम कॉरपोरेशन के सामने बिठाया गया, जिसके बाद मराठी तंजीमों ने 21 जनवरी को मोर्चा निकालने की बात कही। उसके पहले ही दिन डीसी बेलगाम और मोकमा ने इसे रद्द करने के लिए कहा, लिहाजा इसे रद्द भी किया गया। अब 8 मार्च का ऐलान किया गया और एमईएस यानी महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जानिब से शहर और देहात में बड़े पैमाने पर मोर्चा में शामिल होने का ऐलान और गुजारिश की जा रही है। मराठी तंजीमों का कहना है कि हमेशा इंतजामिया कन्नड़ तंजीमों की ही हिमायत करती दिखाई देती है। इससे पहले मराठियों का परचम जब पुरानी इमारत से हटाया गया था, तब भी एमईएस की दिशा भूल की गई थी, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। यकीनन इंतजामिया की कोशिश रहेगी कि शहर में अमन अमान रहे, लिहाजा 8 मार्च के इस मोर्चा का क्या हल इंतजामिया की जानिब से निकाला जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कोरोना वैक्सीन की मुहिम को किसी तरह कामयाब करने की कोशिश सेहत महकमा की जानिब से की जा रही है, लिहाजा कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत मालूमात और गलत फहमियां फैलाई जा रही है। गलत मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं और इसका नतीजा यह हुआ कि खुद सेहत महकमा के लोग ही इसे लगवाने से कतराने लगे। गलत फहमी के तहत पहले और दूसरे दौर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण पर असर हुआ, पर अब इस मुहिम को किसी तरह से कामयाब बनाने का फैसला सेहत महकमा बेलगाम ने लिया है। लिहाजा बरोस पीर से बेलगाम जिले के 14 जगहों पर वैक्सीनेशन दी जाएगी। वैसे 1 मार्च से पूरे मुल्क में बुजुर्गों और मुख्तलिफ अमराज के उम्रसीदा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वही दूसरी तरफ कोरोना मरीजों की तादाद भी बढ़ने की बात कही जा रही है। बेलगाम जिले में अब तादाद बढ़कर 14 होने की भी बात कही जा रही है। लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातों को फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर देखा जा रहा है, जिससे दूर करने की जरूरत है, ऐसा सेहत महकमा की जानिब से कहा गया है। महंगाई की गोया सबको आदत पड़ती दिखाई दे रही है। सब्जी, फल, फ्रूट, अनाज, गैस, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो गया। हुकूमत ने
कई सरकारी कंपनियों को तक निजी कंपनियों के हाथों बेच दिया। खैर, अब एक और इजाफा करते हुए 10 रुपए का रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट को 3 गुना बढ़ाते हुए 30 रुपए किया गया। जल्द बेलगाम रेलवे प्लेटफॉर्म पर अमर किया जाएगा, ऐसा रेलवे इंतजामिया की जानिब से कहा गया। कोरोना की वजह से 3 महीने रेल की सहूलतें बंद थी, जाहिर है अब भी प्लेटफॉर्म टिकट फिलहाल भी बंद है, पर अब जल्द प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया जाएगा और 10 रुपए का टिकट अब 30 रुपए में खरीदा जाएगा। रेलवे स्टेशन पर अक्सर घर के लोग रिश्तेदार छोड़ने के लिए आते हैं, जिसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना जरूरी होता है। टिकट को महंगा क्यों किया गया, इस सवाल पर भी हुकूमत ने अजीब जवाब देते हुए कहा कि ज्यादा महंगा करेंगे तो आवाम कम आएगी, जिससे कोरोना फैलने में रुकावट हो सकती है, यानी टिकट महंगा होने से भीड़ कम होगी। खैर, यह दलील ही आवाम को कुछ अलग लग रही है। इतना जरूर है कि कोरोना के आड़ में बहुत कुछ बढ़ाया जा रहा है, अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए भी 3 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।